नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू है उसको आप देखने जाना चाहते हैं तो आप उसकी टिकट्स कैसे बुक कर सकते हैं, वही हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। और क्या टिकट कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है और किस दिन ओपन रहता है, किस दिन टाइमिंग क्या है, वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे आप गूगल पे आ जाना है, आपको यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आ जाएगा। इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। आप नीचे यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमको टाइमिंग दिख रही है, टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक होती है। अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, टूरिस्ट गाइड ऐप, इनका एंड्रॉयड iOS जो भी डिवाइस आपके पास है उसमें आप कर सकते हैं। अगर प्रोजेक्शन मैपिंग शो इनका 7:45 को होता है शाम को, वो भी आप देख सकते हैं। और मंडे को ये क्लोज रहता है, मंडे के दिन आप नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये इंटरफेस दिखेगा कुछ, उसके बाद यहाँ पे आपको बुक टिकट्स नाउ दिखेगा, इसमें आप क्लिक करेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं और भी टूरिस्ट अट्रैक्शन इसके आसपास क्या क्या हैं तो इनकी वेबसाइट में ही आपको ऊपर से यहाँ पे आप देख रहे हैं टूरिस्ट अट्रैक्शंस दिख रहा है। अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो इसके आसपास की और भी टूरिस्ट अट्रैक्शन जगह आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, तो इनको भी आप देख सकते हैं। टिकट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग टिकट्स दिखती हैं। जैसे यहाँ पे है SOU एंट्री टिकट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंट्री टिकट। अगर सिर्फ आपको एंट्री टिकट चाहिए, बस आपको वहाँ पे जाना है, उस कैंपस में घूमना है, तो आप एंट्री टिकट ले सकते हैं। अगर आपको व्यूइंग गैलरी में जाना है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर जाना है, तो आपको उसके लिए दूसरी टिकट लेनी पड़ेगी। हम उसी टिकट को देखते हैं। नीचे और भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, अगर आप फॉरनर हैं या फिर अगर महाआरती देखना चाहते हैं, आप नर्मदा रिवर के किनारे जंगल सफारी करना चाहते हैं, ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे SOU व्यूइंग गैलरी वाली टिकट हम यहाँ पे बुक करेंगे। बुक टिकट में आपको क्लिक करना है, के बाद यहाँ पे आपको अपना कोई भी मोबाइल नंबर डाल लेना है जो जिसमें OTP आती हो, तो आप यहाँ पे डाल लेना कोई भी। यहाँ पे हमने अपना मोबाइल नंबर डाल लिया है, उसके बाद गेट OTP में हमको क्लिक कर लेना है। गेट OTP में क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगी, वो OTP आपको यहाँ पे डालनी है। जैसे कि OTP आ चुकी है हमारी, उसके बाद लॉगिन में क्लिक कर लेना है। लॉगिन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पैसेंजर का नेम डालेंगे, यहाँ पे जेंडर डालेंगे, एज, यहाँ पे कंट्री और स्टेट। तो ये सब फिल करने के बाद आप नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अगर आप 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो आप यहाँ पर से ऐड करते रह सकते हैं। जितने भी लोग आप हैं यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स डालने के बाद नेक्स्ट में क्लिक कर लेंगे। अभी हम सिंगल हैं तो हम यहाँ पे सिंगल ही एक ही पर्सन की डिटेल्स डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे अपनी डेट सेलेक्ट करनी है जब भी आप जाना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, मंडे को ऑफ रहता है, यहाँ पे बंद रहता है, मंडे को आप नहीं जा सकते हैं। हम यहाँ पे 15 अगस्त की डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे स्लॉट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक रहता है, 2-2 घंटे के स्लॉट हैं, आप अपना स्लॉट यहाँ पे बुक कर सकते हैं जिस भी स्लॉट में आप जाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं शाम के टाइम का। उसके बाद यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्शन मैपिंग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये स्टार्ट होगी 6 बजे के बाद। और यहाँ पे अगर आप नॉट इंटरेस्टेड हैं तो नॉट इंटरेस्टेड कर सकते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो इंटरेस्टेड कर सकते हैं इसमें जो भी हैं। और इसका स्लॉट फिक्स रहेगा, 6 बजे के बाद ही ये होना है तो उसका फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे आप इसकी कोई एक्स्ट्रा टिकट नहीं पड़ने वाली है, ये ऑप्शनल अट्रैक्शन है उसी के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप उस वो चीज़ें देखना चाहते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे अडल्ट की जैसे 380 पर टिकट है, और अगर चाइल्ड है 3 साल से छोटा है तो उसकी कोई टिकट यहाँ पे नहीं लगने वाली है। अगर 3 से 15 के बीच में है तो आपको 230 रुपये यहाँ पे लगने वाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अट्रैक्शन ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मोर अट्रैक्शंस आप कर सकते हैं। जैसे आप कुछ भी यहाँ पे एकता क्रूजिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके देख सकते हैं उसकी टिकट कितनी है। जैसे कि आप यहाँ पे स्लॉट अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी स्लॉट है आपका। स्लॉट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको टिकट प्राइस दिख जाएगी, 413 रुपये
टिकट है यहाँ पे, और 0 से 6 साल के बच्चों के लिए 207 है, 6 से बड़े जो लोग हैं उनके लिए 413 टिकट है यहाँ पे। तो इसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। टोटल आपका यहाँ पे दिख रहा है 793 यहाँ पे आपका होगा। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो ऊपर आपको यहाँ पे कैंसिल का बटन दिख रहा है, कैंसिल करके आप कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट के बाद ये दोबारा पूछते हैं आपको कोई अट्रैक्शन ऐड करना चाहते हैं तो स्टे में क्लिक कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आप नेक्स्ट में क्लिक करिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने नेम फिर से डालना होगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका शो हो रहा होगा, हमने हाइड किया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं अपनी, जो भी है नेम, आपकी एज, आपका एड्रेस, उसके बाद आप जितने लोग हैं, वो सारी डिटेल देखने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कैंसिलेशन पॉलिसी के बारे में, हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आप विजिट से 96 आवर पहले अगर अपनी बुकिंग कैंसिल कर देते हैं तो आपको 100% रिफंड यहाँ पे मिल जाएगा, और 48 आवर्स से 96 से बीच में करते हैं तो आपको 80%, अगर 48 आवर में करने 48 आवर से पहले करते हैं तो आपको 50% मिलेगा, और ऑन डेट ऑफ विजिट जिस दिन आप जाने वाले थे उसी दिन अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे बाय क्लिकिंग, यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेनी है इसमें क्लिक करके, और उसके बाद आपको यहाँ पे इस बॉक्स में क्लिक करके नेक्स्ट में क्लिक कर लेना है, सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी एक। उसके बाद आपको पे नाउ में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कार्ड्स की डिटेल डालनी है अपनी, या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर नेट बैंकिंग, या यूपीआई। अगर आप यूपीआई करना चाहते हैं तो आप जिस भी ऐप से यूपीआई करना चाहते हैं वो ऐप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी डालेंगे, उसके बाद मेक पेमेंट में आप क्लिक करेंगे तो आपकी टिकट्स यहाँ पे बुक हो जाएंगी। ऐसे ही कुछ आसानी से आप आराम से टिकट्स बुक कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।